नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागी लाल न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। सबकी सुनी, अब लोकतंत्र के प्रहरी की सुने। विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतरे काशीपुर के सभी उम्मीदवारों ने दमखम और सियासी दांव पेच से मतदाता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रचार के अंतिम दौर में तो लोगों के कानों को सिर्फ और सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा था। काशीपुर में 20 साल से लोग भाजपा के एक ही नेता के सिर पर विधायक का ताज पहना रहे हैं। इस बार अन्य उम्मीदवारों ने बदलाव और काशीपुर के विकास को केंद्र बिंदु बनाया। खास बात यह रही कि प्रचार के दौरान मतदाता सबकी सुनता रहा। वैसे तो चार उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि टक्कर आखिर किसके बीच है। चतुष्कोणीय मुकाबला कहना भी कठिन हो रहा है। चर्चाओं से समीकरण हल करना पेचीदा हो गया है, परंतु पहला सवाल सबके मुंह से निकल रहा है कि भाजपा काशीपुर में 20 साल का दबदबा इस बार भी क्या बरकरार रख पाएगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या काशीपुर में बदलाव होगा। तीसरा सवाल यह है कि कोई बिल्कुल नया रहनुमा काशीपुर को मिलेगा। अब लोकतंत्र के असली मालिक को अपना फैसला सुनाने की बारी आ गई है। एक दिन बाद वह उंगली से ईवीएम का बटन दबाकर अपने और उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेगा। सुरागी लाल न्यूज चैनल लोकतंत्र का प्रहरी होने के नाते उत्तराखंड के मतदाताओं से निवेदन करता है कि जिस तरह संविधान में दिए अन्य अधिकारों की मांग करते हैं, उसी तरह मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए 14 फरवरी को आगे आए। सुरागी लाल न्यूज चैनल की खास पेशकश। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।